सिंहासन ते प्रकाशमान शतर चवर तख्त दे मालिक सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कवलां विखे गुरद्वारा श्री बंगला साहिब धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दी पावन बख्शिश वाले दर ते आके आप जी ने साहिब दी असीस लेंदियां मस्त चुका के नमस्कार करके कर नमस्कार पूरे गुरदेव दा आदेश पाल दियां साहिब दी असीस लेके परम पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ के अमृत वेले तो अमृत बाणी दे सोमे दा रस आप जी ने कन्ना दे कटोरिया राहें पीवना कीता साहिब दी असीस बख्शीश रहमत वरतावन वाली अमृत बाणी दे नाल जुड़दे हां। इस समय लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विचों सत वार तिन्हां नाल संबंधित भगत कबीर जी दे अमृत बाणी दे इस पावन पाठ नूं इस समय आप जी ने अति सत्कार योग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों बड़े रस भिंडे हिरदे ते गले दे निकले बोलां चों आप जी ने हुने हुने ये जप श्रवण किया। आओ साहिब दी असीस लैके पावन शब्द दी विचार आरंभ करन तो पहला कलगीधर दशमेश पातशाह जी दी बख्शिश कीती हुई पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार विच लोग इत्थे टिक के रह गए भी अज ए वार है अज चंगा वार है अज चंगा वार नहीं। मेरे साहब कहंदे ने ए संसारी लोगो तुसी वार दी अगर सही व्याख्या चाहते हो तो गल ध्यान च रख लेना अगर बार बार हर के गुण गावो दे मार्ग दे पांधी बनोगे तो हर वार तुहानू रब नाल जोड़न वाला ही होगा। वो हर वार शुभ वार होगा वो हर वार चंगा वार होगा। मैं बेनती कर दिया दुनिया की भाषा विच जिसनू लोग कहिंदे ने ये वार बड़ा चंगा है अगर बंदगी सिमरन नहीं कीती ते बेनती कर दिया उस वार तो भैड़ा वार ही कोई नहीं है। इस करके मेरे साहब धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच फरमान करके दर्शाते ने आओ साहब दे पावन बोल चूंकि अज वैसे भी सोमवार है साहब दे सोमवार नाल संबंधित जो पावन उपदेश ने उसनू आरंभ करन तो पहला एक बारी
अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सोमवार सस अमृत चरै चाखत बेग सगल बिख हरै। जिमें कल एतवार नाल संबंधित आप जी ने उपदेश सुनिया ओ लोगां सूरज नाल जोड़िया। रविवार सूरीवार संडे इंज सोमवार नू लोगां चंद्रमा नाल जोड़िया। इसनू हजूर कहंदे ने तू चंद्रमा नाल जोड़ी बैठा है भी अज दा दिन चंद्रमा दा दिन है। ओ भलिया लोग कहंदे ने चंद चो अमृत दियां किरणां वरसदियां। ये भी संसार विच लोगां कहे है भी सूरज फल ते सब्जियां नू पकांदा है ते चंद्रमा उन्हां विच रस भरदा। पर साहब कहंदे ने भलिया अगर झात मारे ते तेरी जिंदगी दा चंद कौन है कि जिथों तैनू अमृत दियां किरणां मिल सकदियां। वो है गुरु नानक पातशाह जी दा सिद्धांत बिलावल महला पहला। उत्थे भी वार सत दा उपदेश गुरु नानक पातशाह जी ने जो समझाया। सोमवार सच रिहा समाए सोमवार सच रिहा समाए तिसकी कीमत कही ना जाए आख आख रहे सब लिव लाए जिस देवै तिस पल्लै पाए। भलिया ये जान ये सोमवार सच दा प्रतीक है। इस सोमवार विच भी ओही सच बैठा जो एतवार विच सी। इस सोमवार विच भी ओही करता पुरख है जो हर पल है जो हर घड़ी है जो हर मुहूर्त है जो हर दिन जो हर पक्ष जो हर थित ते जो हर महीने ते हर साल विच भी आया है जो सारे समाया होया। ऐसे वाहिगुरु करते पुरख नाल जे तेरी सुरत जुड़ जाए ते तेरे अंदर अमृत दा झरना वह तुरे। फिर चिम चिम वरसै अमृत धारा मन पीवै सुन शब्द विचारा। तेरा मन ओ अमृत दे झरने नाल जुड़ जाए। मैं एक बेनती कर देवा अमृत बचन सतगुर की बाणी अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोलै सो मुख अमृत पावै। अगर तू अमृत बाणी सतगुरां दी ओस नाल अपनी रसना नू जोड़ के बोले ते हजूर कहंदे ने अमृत बाणी दे बोलां नाल तेरे मुख विच नाम दा अमृत पीवना बन जाए ते फिर नाम अमृत पी पाना है। जरा एक बात ध्यान च रखियो कुछ दुनिया विच लोगां ने स्वादलू पदार्थां नू अमृत आखिया। उन्हां विच दुध नू अमृत कहा दही नू अमृत कहा घ्यो नू अमृत कहा गुड़ नू अमृत कहा मिश्री नू अमृत कहा। हजूर कहंदे ने भलिया तू रोज ये कहंदा मैं संसारक पदार्थां दे ये पांच अमृत खा रहा पर जेड़े मुख विच अमृत पा रहे हैं एक दिन स्वास निकलेने ते तेरा मुख अग दी लपेट विच होना। जह मुख पांचों अमृत खाए तह मुख देखत लूकट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अगन दह और गर्भ बसेरा। ओ दुनिया दे पदार्थ अमृत खांदियां खांदियां मौत सहेड़ लई। भलिया खंडे बाटे दे अमृत तो कदी नाम अमृत तक दा सफर कर लेवे ते जिंदगी विच सदा लई तेरी मौत मुक जाए ते किते उस वेले नाल जुड़ जाए जेड़ा वेला तेरे लई एकाग्रता दा प्रतीक। जेड़े वेले तेनू दुनिया दे काम कार दा रुझीवा नहीं तेरे लई एका एकी दा प्रतीक। जेड़े वेले
सारी कायनात खामोशी विच है, उस समय ते शायद अज दे रुझेवियां विचों ओ हैलो हैलो दी गल भी किसे तैनू नहीं करनी, भलिया ओ शांतमई ओ जिसनू सनातन धर्म वालियां ने ब्रह्म मुहूर्त कहा, जिसनू इस्लाम वालियां ने सुबह साधक कहा, जिसनू गुरमत विच अमृत वेला कहा, भलिया उस वेले किते जाग के वाहगुरु वाहगुरु दे जप विच चला जाए। एक ओंकार सतनाम का आरंभ कर दिया, बाणी दे जप विच चला जाए, उस वेले तेरे मुख विच अमृत पैन का एक रस्ता खुल जाए। ते हजूर कहन लगे, सोमवार सच रहा समाए, तिसकी कीमत कही ना जाए। भला कोई रब का मुल कह सकता भी इन्ने क पैसों का, रब की कोई बराबरी कर सकता कि परमेश्वर वर्गा कोई होर है। आख आख रहे सब लिव लाए, जिस देवे तिस पल्ले पाए, रब नू आखन वाले ते बहुत ने, वाह वाह कहन वाले ते बहुत ने, राम राम कहन वाले ते बहुत ने, वाहिगुरु वाहिगुरु कहन वाले ते बहुत ने। ते कोशिश करदे ने लिव लाइए ध्यान जोड़िए, पर जब तक मालिक दी रहमत ना होवे उस दी दात पल्ले विच नहीं पै सकदी। आख आख रहे सब लिव लाए, जिस देवै तिस पल्ले पाए। ते मालक दे चरणा विच अरदास करदे आं, मालक रहमत करो जो सोमवार आप दे चंद नाल जुड़िया। मैं एक बेनती कर देवा, एक ओ चंद है आकाश विच चढ़दा, कदी वधदा ते कदी घटदा, कदी उस ते मस्या आ जांदी है। एक ओ चंद है जेड़ा हिरदे विच सिमरन अभ्यासी दे चढ़दा, जिस ते मुड़ कदी मस्या नहीं आउंदी। एक ओ चंद है कदी साहब दा संसार ते आगमन हुंदा, ठंड वरत जांदी है, कह सकदे हां करन करावन शरण परिया, करन करावन शरण परिया, गुर प्रसाद सहज घर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। ओ जिस दिन अंदर नाम सिमरन करदियां करदियां वाहिगुरु दे अनुभव वाला चंद चढ़ जांदा, मैं बेनती करां उस दी कला कदी घटदी नहीं, उस दी कला कदी वधदी नहीं। ये कह सकदे हां पुन्यो पूरा चंद आकाश, पसरै कला सहज प्रकाश, आद अंत मद होए रहिया थीर। पहला तो लैके इस वेले तक ते हुण तो लैके अखीर तक जो सदा थीर दे अर्थ ने स्थिर है, जो सदा एक रस टिकिया होया है, सुख सागर में रमै कबीर। कबीर जी कहंदे ने मैं ऐसे सुख सागर प्रभु चंद विच अपना आपा विलीन कर लिया, मैनू दुनिया के बाहरले ओ स्वादु पदार्थां दे पांचों अमृत नहीं चाहिए। ध्यान च रख लेना, कुछ 36 अमृत की गल है, जह प्रसाद 36 अमृत खाहे। ध्यान च रख लेना, इत्थे 36 अमृत तो मुराद है तरह तरह के वक्रे वक्रे पकवान, तरह तरह के वक्रे वक्रे स्वादलू भोजन। ते अज दुनिया की हालत यह हो गई है, वधिया स्वादु पदार्थ खान ते लोग कहिंदे ने आहा इह ते अमृत वर्गा स्वाद। मैं एक बेनती करा, तू तशबीह किस दी दिंदा जिस अमृत दे स्वाद नूं ते तू चखे ही नहीं, पर अंदरला बोलदा इह ते अमृत वर्गा स्वाद है। सच यह है कदी शरदा भावनी नाल किते पंजा प्यारियां तो खंडे बाटे दी जदों अमृत पौहल प्राप्त करदा, उस समय काया कल्प हो जांदी, जिंदगी बदल जांदी है, धर्म दे नवे कदम उठते ने। अंदरला आपा एक जहर भरे संसार वालों वाड़ लगा लैंदा है, वो बजर कुरैता नहीं करनिया, वो वाड़ लग गई है। तू इन्ना पांच रहत दे मार्गां दा परपक धारनी बनना, मैं बेनती करा एक दिशा मिल गई है। ते साहब कहन लगे, भलिया अगर तू उस चंद नाल जुड़ जाए जो तमाम संसार विच एक ठंडक वरतौन वाला ते एक सारता नाल ज्ञान दा प्रकाश देन वाला, वो है सोमवार। सस सस दे अर्थ ने शशि,
शशि तुम राधा है, चंद्रमा अमृत झरा है, जिस दा अमृत दा झरना सदा वह रहा है। हुण पीन दी जाच सतगुरां जो दर्शाई है ना, मैं दो पंक्तियां साझियां कर लगा। जेडे चाहते ने मैं उस अमृत नू रोज पीवां, ते साहब दे पावन बोल ध्यान च रखियो, साह साह सदा संभालदा, साह साह सदा संभालदा, कदे ना विसारियो, ज्यों ज्यों साहब मन वसै त्यों त्यों अमृत पियो। जिवें जिवें एक एक साह नाल वाहिगुरु नू अंदर संभालदे गए, उस नू भाव भुलिया नहीं, अंदर दी चेतना विच वसाई रखिया। ते साहब कहिंदे ने जिवें जिवें साहब मन विच वसदा जाएगा, तिवें तिवें तेनू अमृत पीन दी गल बनदी जाएगी। तो सोमवार सस अमृत झरै, चाखत बेग सगल बिख हरै। जदों उस नाम अमृत नू चखिया, जदों उसका रस माणिया, ते हजूर कहिंदे ने जिन्नी जहर सी ना ओ बेग कहिए तेजी नाल छेती नाल दूर कर दिती, ते हुण जहर नाल नहीं जुड़दा। वो जहर किहड़ी है? एक वो जहर पोइजन जिस नू पींदियां खांदियां मौत हो जांदी है, लोग डर डर के बच बच के रहिंदे ने, मैं जहर तो बचिया रहा। मेरे साहब कहिंदे ने मिठी जहर तो भी बचिया रही, मुख मीठी खाई को राए, अमृत नाम मन रिहा अगाए। ऐ पलिया ए खांदियां ते तेनू बड़ी मिठी लगती है, पर इस दा असर जहर नालों भी भैड़ा है। भला जहर नालों भैड़ा क्यों है? जहर एक बारी मारदी है, ध्यान च रखियो, जहर खावे ते एक बारी दी मौत है। इस संसार दे औगुण ते विषय वकारां दी जहर खा के जिंदगी नष्ट कर लेवे ते 84 लाख वारी दी मौत है। इस करके मेरे साहब कहिंदे ने फरीदा ये विष गंदलां धरियां खंड लिवाड़, ये जहर भरियां गंदलां ने उपरों इन्हां दे खंड लगाई गई है, विच जहर भरी हुई है। सुचेत होवी, अगर विषय वकारां दी जहर नाल जुड़ गया, अगर नशियां दी जहर नाल जुड़ गया ते जीवन बर्बाद कर बैठेगा। मैं बेनती करा, बहुते संसार दे विषय वकार सेवन करन वाला, औगुण ते वकारां विच रहन वाला ते नशियां दा सेवन करन वाला अपना शरीर भी बर्बाद कर लैंदा है, अपनी मानसिक अवस्था भी नष्ट कर बैठता है, अध्यात्मक जिंदगी भी गई, संसारिक जीवन भी बदतर हो गया। इस करके जिस दिन नाम अमृत नू पीना शुरू कर लैंदा है, अमृत बाणी दे सोमे दा रस मानना शुरू कर लैंदा है, बस चाखत बेग सगल बिख हरे, सारी जहर नू दूर कर लैंदा है, फिर संसार दी जहर नाल नहीं जुड़दा। जह बिखिया सगली तजी, जह बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग, कौ नानक सुन रे मना, तह नर माथ भाग, बिखियन सो काहे रचियो निमख न होए उदास। वो कदी ते उदास हो, कदी ते संसारक विषय वकारां तो मूँह मोड़, चख छोड़ी सहसा नहीं कोए। भलिया हुण ते दुनिया दे सारे नशे, सारा संसार पिया इस तो सुचेत करदा, बड़ी दुहाई मचांदा भी नशियां तो बचो। मैं हुण बेनती कर देवां, बाहरले नशियां बारे ते देश एक नहीं विश्व भर दे देश इस ते पाबंदी लगाई बैठे ने, पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे ने तू उन्हां नशियां तो भी बची, पर एक ओ नशा है, एक ओ तेरी जिंदगी नू बदतर करने वाली जहर है, झूठ बोलना, निंदा करनी, ईरखा करनी, वैर विरोध करना, काम क्रोध लोह मोह हंकार विच भरना। भलिया ये भी तेरी जिंदगी दी जहर है, ये भी तेरी जिंदगी दे भैड़े नशे ने, इन्हां तो भी बच जाई। हुण ते हालत बंदे नू अपने वल झात मार के समझ लैनी चाहीदी है भी चख छोड़ी सहसा नहीं कोए। हुण ते दुनिया का सब कुछ खा देखे, भलिया हुण ते मूँह मोड़ा, हुण ते मैं जरा अपने आप नू अपने धर्म
ते सात मार्ग दे पांधी बना के एक मंजिल ते पहुंचन की कोशिश करा। हजूर एक गल कहंदे ने, तेरे कोल ने पांच ज्ञान इंद्रिए, तेरे कोल ने पांच कर्म इंद्रिए, इन्ने दस, पर यह दस अकले कुछ नहीं कर सकते। जरा ध्यान च रखियो, मैं एक पंक्ति धन गुरु ग्रंथ साहब जी की सांझी कर लगा। अगर इन्ना दस नारियां कोल इन्ना दा पति मन ना होवे ते ए अकले दस कुछ दे कुछ भी नहीं कर सकते। अखां वेखदियां ने अगर मन विच है ते जो दिखदा है उस दा रस मानदियां ने। अगर ध्यान अंदरों मन दा किधरे होर होवे, ध्यान च रखियो, वेख के भी नहीं वेखदा। अगर भोजन मूंह विच पाया रस मान रहा, ध्यान उस भोजन विच नहीं, ते कई बारी पता ही नहीं लगता, सारा भोजन छक लिया, पता ही नहीं लगा भी स्वाद किहो जिहा सी। ए मन है इन्हां दस नारियां दा पति। ते धर्म की दुनिया विच जदों जहर छड्डन वास्ते सतगुरां दा सिद्धांत समझिया ना, ते उन्हां आखिया दस नारी मैं करी दुहागन। दस नारी, ये जिहड़ियां दस नारियां सी ना, दस औरतां, इन्हां नूं मैं दुहागन कर दिता। ते दुहागन दे अर्थ ने इन्हां दा पति जिहड़ा सी ना उह मैं इक पासे कर दिता, इन्हां नूं पति तो विछोड़ दिता। पति सी दस नारियां दा मन, उस मन नूं इन्हां विच रखण दी थावें मन नूं नाम नाल जोड़ लिया। गुर कहिया इह रसां विखागन, गुरु ने आखिया ये दस नारियां जेड़ा रस चखदियां ने वह बिख दी अगन वाला रस चखदियां ने, वो जहर भरिया रस चखदियां ने। जरा ध्यान च रखियो, अखां वेखण गुनाह नहीं, पर जदों अखां भैड़ी दृष्टि बना के पर तन ते जामन ते भारी गुनाह बन जाता है। जदों कन्न सुनदे ने, ये ते भागां वाले हाँ, सानू कन्न मिले ने ते शरवण भले शोभ नीक है मेरी जिंदरीए, जिहड़े हरी दा जस सुनदे ने। तो खैर बेनती करा, कन्न चंगे ने बशर्ते नाम सुनन, बाणी सुनन, धर्म की गल सुनन, पर जिहड़े कन्न दुनिया के गंदे गीत ते निंदा सुनदे ने, वह कन्नां विच बैठा मन इस ज्ञान इंद्रिय की शक्ति नूं अज्ञानता वल ले जा रहा है। मेरे साहब कहने के जहर कट्ठी करन वाले पांच ज्ञान इंद्रिये ते पांच कर्म इंद्रियां नूं मैं मन तो वखरा कर दिता, इन्हां दा मन हुण इन्हां विच रखण दी थावें मैं गुरु नाल जोड़ ली। दस नारी मैं करी दुहागन, गुर कहिया ए रसै बिखागन, इन संबंधी रसातल जाए हम गुर राख लिए लिव लाए, इन लोगन सो हम पहे बैराई, एक ग्रह मैं दोए ना खटाई, आए प्रभ अंचर लाग, करो तपावस प्रभ सरवाग। ये मैं जानिया भी एक घर विच दो नहीं रह सकते, जां ते अंदर औगन रहनगे, जां गुणा दा मालक रहेगा, जां अंदर विषय वकारां दी जहर रहेगी, जां अंदर नाम अमृत दा सोमा वाहिगुरु रहेगा। मैं समझ ली ये गल भी एक घर विच दो नहीं रह सकते, ये ते सच है ना। वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पास। जे आखिए औगन भी कर लईए, विषय वकार भी कर लईए, नाम जप के अंदर नाम दा अमृत भी इकट्ठा कर लईए, हकीकत यह है भी वह जेड़ा धर्म कमाउण वाला है वह जां ते औगणा दा खेड़ा छड़ दिंदा है, ते औगण अंदर इकट्ठन करन वाला नाम हिरदे विच टका नहीं सकदा। हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै इक ठाए, एक ग्रह मैं दोए ना खटाई। ये नहीं है इबादत है मस्जिद में, शराब है मैखाने में, खुदा भी राजी रहे और शैतान भी नाराज ना हो। वो भलिया एक गल ध्यान च रख लै, अगर विषय वकारां दी जिंदगी बतीत कर दें नाम अमृत नहीं पी सकेगा, तो हुण आए प्रभ अंचर लाग, करो तपावस प्रभ सरवाग। मैं प्रभु दी शरण विच गया ते आके आखिया पातशाहो फैसला कर दियो, करो तपावस न्याय कर दियो, भला इस शरीर विच तुसी रहने चाहिए हो कि इस शरीर विच औगन विकारां वाला मन रहना चाहिए। पातशाह मैं बड़ा परेशान हो गया, तुसी फैसला करो अंदर किस नूं रहना चाहिए। करो तपावस प्रभ सरवाग, प्रभ हस बोले किए न्याए, सगल दूत मेरी सेवा लाए, तू ठाकर ग्रह सब तेरा, कहो नानक गुर किया नवेरा।
प्रभु कोल गए, उन्हें आखिया जा गुरु कोल, सुन उपदेश। कहन लगे मैं तैनू तेरे घर विच रहन वाले ओ जेड़े पांच दूत ते पांच कर्म इंद्रिये उन्हें सारियां नू तेरी सेवा विच लावांगा। ध्यान च रख लेना, हुण अखां सेवा विच लग गईयां, गुरु दर ले आईयां, कदम सेवा विच लग गए, ये चल के चरण चलो मार्ग गोबिंद। ये सच है, ओ जेड़े पांच ज्ञान इंद्रिये ते पांच कर्म इंद्रिये मेरे सिर ते हावी होए बैठे सी, औगन विकारां दी जहर इकट्ठे करदे सी, ओ हुण मेरे मगर लग गए, ओ हुण धर्म दे मार्ग वल लग गए। उन्हां ही हत्थां पैरां नाल, उन्हां ही अख रसना ते कन्नां दे नाल मैं हुण धर्म कमाउण वल इन्हां नूं जोड़ लिया। ये रहमत हो जाए दाते दी, बस चाखत देग बड़ी छेती नाल उस अमृत नूं चखदिया सार सगल बिख हरै, वो सारी दी सारी जहर नूं दूर कर लैंदा। बाणी रोकिया रह द्वार, हुण बाणी ने रोकिया, बाणी ने समझाया तू इन्हां नूं रोक, ए तैथों बाहरे होके ना दौड़न। एक मैं बेनती करदे आ, होवे साडे घर दा नौकर, पैसे लै साडे कोलों, तनखाह दईए असी ते काम करे, वो अपनी मर्जी नाल साडी एक गल ना मन्ने, ते ये कित्थों दी गल होई? ऐ भलिया, ये ते तेरे दूत ने, ये कर्म इंद्रिये ज्ञान इंद्रिये ते मन, ये ते जीव आत्मा दे नौकर ने, ये तेरे सिर ते हावी हो गए। शक्ति लई अंदरों आत्मा दी मन तां चलदा, शक्ति लई अंदरों आत्मा दी अखां नक कन्न मूंह तां शक्ति विच ने, ते जिस दी शक्ति लैके जिस कोलों ताकत लैके ये अपना जीवन चलांदे ने, उस दी ते गल इक ना सुनन ते चलन अपनी मर्जी नाल, ते किड्डी भैड़ी हालत अज दे इंसान दी हो गई। ते बाणी ने रोकिया, बाणी ने समझाया, छोड़ छोड़ रे बिखुआ के रसुआ, ओ बिखुआ के रसुआ, ओ विषय वकारां दी जहर खान वाले रसक, छड़ इन्हां नूं, छोड़ छोड़ रे बिखुआ के रसुआ, उर्ज रहे रे बावर गावर, ज्यो किरखै हरे आयो पसुआ, जो जाना तू अपना काजै, सो संग न चालै तेरा तसुआ। ओ भलिया, रत्ती भर भी ये तेरे नाल जान वाले नहीं, एक पशु लंघदा लंघदा हजूर कहंदे ने, ज्यो किरखै हरे आयो पसुआ, एक खेत हरा हरा वेख के ओ पशु है, खेत इस पशु दे मालक दा नहीं, ध्यान च रखियो, पता नहीं किस जिमीदार दा खेत है, ये लंघदा लंघदा पशु उस हरियावली वाली खेती नू वेख के उस नू पिया उजाड़दा। ऐ भलिया, तेरे मन दा बैल भी, ये तेरे मन दे पशु भी उधर जा रहे ने, जेड़ा संसार सोना ते हरियावल वाला तेनू नजर आ रहा, तू क्यों खेती पिया उजाड़दा? छोड़ छोड़ रे बिखुआ के रसुआ, बानी समझाया, ओ भलिया, जो जानै तू अपना काजै, सो संग ना चलै तेरो तसुआ, नांगो आयो नांग संदासी, फेर फिरयो और काल गरसुआ, पेख पेख रे कसुंभ की लीला, राच माच तिनहु लो हसुआ, छीजत डोर दिन सर रहनी, जीको काज न कीनो कशुआ, करत करत इव ही बरदानो, हारियो उगते तन खी नसुआ, ज्यो मोहनी उन मोहयो बाला, उसते कटे नाही रुच चसुआ, जग ऐसा मोय गुरै दिखायो, तो शरण परयो ताज गर्बसुआ, मार्ग प्रभु को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ। उन्होंने भगती जस ओ पक्का करा दिता, गुरु आखिया लग मेरे आखे ते इन्हां दे मगर ना जा। बाणी रोकिया रह द्वार, हुण बाणी रोकिया, तू किहड़े विषय वकारां दी जहर वल पिया जा रहा, रुक, ए मना समझ, भला तुम्मा ते कौड़ा होवे, वो कुदरत ने बनाया ही ओहो जिहा, कौड़ी तू भी जहर भरी है, वो कौड़ी होवे कोई अफसोस नहीं, वो बेचारी बनी ओहो जी है, अक जहर भरिया कौड़ा वो होवे कोई अफसोस नहीं है, निम वो जहर भरी कौड़ी है कोई अफसोस नहीं, उसका बीज ही ओहो जिहा है, तूरा
ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਐ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ ਅੱਕ ਧੂਰਾ ਨਿੰਮ ਫਲ ਮਨਮੁਖ ਵਸੈ ਤਿਸ ਜਿਸ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮਨਮੁਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਟੂ ਬੋਲਨੇ, ਭੈੜੇ ਬੋਲਨੇ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਖਲਾਕ ਦੇ, ਉਹ ਗਿਰੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਪਿਆ ਘੋਲਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਰੇ ਨਰ ਨਾਵ ਚੌੜ ਕੱਤ ਬੋੜੀ, ਹਰ ਸਿਓ ਤੋੜ ਵਿਖਿਆ ਸੰਜੋੜੀ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਬੈਠਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋੜ ਬੈਠਾ, ਸਿਮਰਨ ਛੋੜ ਬੈਠਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਿਆਗ ਬੈਠਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਨਾ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਬੈਠਾ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਟਿਕ, ਕਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਰੇ ਨਰ ਨਾਵ ਚੌੜ ਕੱਤ ਬੋੜੀ, ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੌਕਾ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਵੇ। ਰੇ ਨਰ ਨਾਵ ਚੌੜ ਕੱਤ ਬੋੜੀ, ਹਰ ਸਿਓ ਤੋੜ ਵਿਖਿਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ, ਸੁਰ ਨਰ ਦਾਦੇ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਸੁਰ ਨਰ ਦਾਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾੜਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਦਾਦੇ ਲਾਗੀ ਆਗ, ਨਿਕਟ ਨੀਰ ਪਸ ਪੀਵਸ ਨਾ ਝਾਗ। ਇਹ ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਪਿਆ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਨੀਰ ਪਸ ਪੀਵਸ ਨਾ ਝਾਗ, ਚੇਤਤ ਚੇਤਤ ਨਿਕਸਿਓ ਨੀਰ, ਸੋ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਕਥਤ ਕਬੀਰ। ਚੇਤਦਿਆਂ ਚੇਤਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦੁਆਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਕੋਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਕੋਰ ਜਾਨਵਰ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਚਕੋਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ, ਅਗਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਕੋਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਕੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ,
क्या मद छूछ है पाओ तरे ओ भलिया तू वपारी है अमृत दा तू आया है संसार ते अमृत विहाजन पर तू किस तरफ चला गया तू क्यों ओ नशे विषय वकार ओ चंगे लगन लग पे ते उस तरफ कदम उठावन लग पे इस करके मेरे साहब कहंदे ने बानी ने रोकिया बानी ने समझाया भलिया किधर जा रहा है। मैं गुरु नानक पातशाह जी के इतिहास की एक प्रतीक गाथा सांझी कर लगा। कहंदे ने एक दिन मरदाना कहंदा बाबा जी बड़ी प्यास लगी है किधरों पानी पिया दियो दसो पानी कित्थे क मिलेगा। हजूर ने नज़र भर के तकिया और गिदड़ां दी एक डार जा रही सी कितने गिदड़ जा रहे ने हौंकदे जा रहे ने जीभां बाहर निकलिया हुई ने प्यासे लग रहे ने जा रहे ने। गुरु नानक पातशाह कहंदे ने मरदानिया उठ और गिदड़ पानी पीन चले ने गिदड़ां दे मगर मगर चलते हैं जिथों गिदड़ पानी पीनगे उथों तू भी पी दे चल आ। कहंदे ने उठ खलोते गिदड़ां दे मगर मगर तुर पए अगा गए तो एक सरोवर आया गिदड़ लगे पानी पीन पर पानी पीता नहीं छड़ के अगा चले गए। तो मरदाना कहंदा बाबा जी भी पानी तो आ गया है गिदड़ां सानू दस दिता है पानी पी लीए। साहब कहंदे नहीं गिदड़ा पानी नहीं पीता तो असा भी नहीं पीना चल इन्हां दे फिर मगर मगर। तो मरदाना पिया सोचता भी बाबा जी की पता नहीं की कला है कमाल की गल करते ने पानी आ गया प्यास डाढ़ी लगी है पर कहंदे ने अजे भी नहीं पीना। फिर क्या पातशाहो आग्या दो ते दो घुट पी लवा। साहब कहंदे ने नहीं गिदड़ा ने एक घुट भी नहीं पीता असा भी एक घुट भी नहीं पीना चल मगर मगर। फिर चल पे अगे एक होर सरोवर आया उतों गिदड़ा भी पानी पीता एक पासों स्वच्छ निर्मल जल उतों भाई मरदाने भी पानी पीता वापस फिर इसे रस्ते आए। हुण भाई मरदाना पुछदा पछताओ मैनू एक गल ते दसो आ जिहड़ा सरोवर पहला आया सी इस तो पानी क्यों नहीं तुसां पीन दिता। साहब कहन लगे गिदड़ा नहीं पीता पातशाह गिदड़ा नहीं पीता यह गल की है मेरी समझ में नहीं आई। साहब कहते मैं तेनों समझावा तो शायद शक विच रह जाएगा एक घुट चुली भर के पी के वेख लै। हुण जदों एक चुली भरी हुण जरा क लगा पीन तो कौड़ा जहर वर्गा थू थू करके चुली थले सुट दिती पातशाह कमाल कर दिती जे। साहब कहन लगे ओ मरदानिया एक कौड़ा पानी सी गिदड़ा नू बिना पीतिया दूरों पता चल गया इन्ना छड़ दिता है अगर असी अपने जीवन विच इस संसार दे जहर भरे नशे आदक ते औगन वकारां दे कौड़े पानी नू जे दूरों वेख के समझ लईए ये मेरी जिंदगी दी बर्बादी करन वाले ने ते असी कदी भुल के भी वो जहर भरिया जल पीन वाल कदम ना उठाइए। ये सच है अज गिदड़ ते कौड़ा पानी छड़ देंदे ने पर जहर भरिया नशियां दा विषय वकारां दा जल शायद अज दी मानवता नू पता नहीं क्यों अज्ञानता वस चंगा पिया लगदा। इस करके बाणी रोकिया बाणी ने रोकिया ऐ भलिया तू छड़ ये नशे जित पीता मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमों तके खाए जित पीता खसम विसरै दरगह मिला सजाए झूठा मद मूल ना पीचई जेका पार वसाए। ओ भलिया आ मालक दे घर पहुंचना है धर्म दी जिंदगी कमा ते औगन वकारां दे नशियां वल ते विषय वकारां वल जाके अपना जीवन बर्बाद ना कर। बाणी रोकिया रह द्वार तू मालक दे दर ते रह तो उस साहब दे दर नाल जुड़ रोज जप करें सो दर तेरा केहा रह द्वार सगल द्वार को छाड़ के गहयो तुहारो द्वार गयो नहीं गहयो फड़ लिया पकड़ लिया मल लिया दर ढह पिया हुण दर छड़ के मैं होर दर जान जोगा ना रह गया यह है गहयो तुहारो द्वार। ये सच है बाणी रोकिया रह द्वार
ओ पलिया द्वारे द्वार सुवान ज्यों डोलत नह सुध राम भजन की। तू द्वार द्वार क्यों डोलदा फिरदा, एक दा दर मल लै, एक दे दर दा बन जा। जेड़ा दर दर दा कुत्ता है उसनू दुर दुर हुंदी है, जेड़े एक दर दा कुत्ता है उसनू मालक प्यार करदा। फर्क इतना ही है, जो दर दर फिरे सो दर दुर दुर होए। भाई वीर सिंह जी लिखते ने जेड़ा दर दर फिरदा उसनू दुर दुर कुत्तिया। चल बार बेचती हुंदी, मिलता भी कुछ नहीं। ऐ भलिया किते मड़ी किते मसान किते धागे किते तबीत किते भुलेखा पाऊ। ओ संसार दे लोग शायद तैनू कहंदे होण तेरा दुख दूर कर देंगे। उन्हां नू पैसे ते जरूर मिल जाणगे, उन्हां दी हट्टी ते जरूर चलेगी, पर तेरी हट्टी दा रहना कख नहीं। तू उस मालक दे दर आ जिथों बरकत जिथों सुख जिथों रहमत ते बख्शिश नाल झोलियां भरनियां। ओ एक दर है उस परमेश्वर दा, उस वाहिगुरु दा, जिस दे अधीन तमाम कायनात निधियां सिद्धियां दा जो मालक है उस दा जिन्ना दर फड़ लिया। मैं बेनती कर दियां ओ फिर होर पासे सुख दी तलाश विच नहीं दौड़दे। भला बंदा इस संसार दी जहर वल चंगी समझ के इसलिए जांदा है ना भी इतों सुख मिलेगा, इसलिए ना मन नू स्वाद मिलेगा। मेरे साहब कहंदे ने तू कदी नाम दा रस पी के इसका स्वाद मान के ते वेख, तैनू दुनिया के विषय वकारां दा स्वाद रत्ती भर भी चंगा नहीं लगेगा। एक बारी धर्म की दुनिया विच प्रवेश करके मन टिका के शांत अवस्था विच जाके बंदगी सिमरन विच जुड़ के आनंद मान के ते वेख, पर उधरों बाणी ने मन नू रोकिया। जिधर मन दौड़दा सी ते अपने अमृत दा सोमा गवा बैठदा सी, जे ते बाणी दे रोकिया गए रुक ते गल जाएगी बन, ते जे बाणी दे रोकिया रुके ना ते समझ लेना गुरु तो बेमुख भी होवांगे ते जिंदगी भी बातर हो जाएगी। भाई मरदाना जी ने आख्या सी ना पातशाह अज डाढ़ी भुख लगी है कि तू कुछ खवा दियो, ते साहब नज़र भर के देखिया रेतला इलाका है, अक का बूटा उगया है, कौड़ियां ककड़ियां अक नू लगियां। साहब कहन लगे ओ देख ओ पौधे नू फल लगे ने तोड़ के खा लै। हुण मरदाने नज़र भर के तकिया, जानिया पहचानिया बूटा, पता जहर दियां ककड़ियां ने। मरदाना कहन लगा पातशाह घर परिवार छड़ के आया ते जाके ते मैं ते अपनी मरासन का मूँह भी नहीं दे सकांगा, मैनू मारना चाहते हो। साहब कहिंदे नहीं तेनू नाल रखिया मारन लई नहीं, तेनू ते सदा अमर करन लई रखिया। महाराज कहिंदे हो ये जहर दियां कौड़ियां ककड़ियां ये खा लै। साहब कहन लगे हाँ बचन मन सतनाम वाहिगुरु आख के तोड़ खा लै, पर पल्ले ना बनी। इतिहास की बड़ी गहरी गाथ है, कहिंदे ने जदों मरदाने सतनाम वाहिगुरु आख के तोड़ मूँह विच पाया, इतना अमृत जैसा रस आया, बहुत आनंदित होके उन्होंने खा लैंदा। पर हुण देखदा भी गुरु बाबा जी इधर वेखदे ते नहीं, साहब खामोश बैठे ने। इसने चुप चपीते कुछ तोड़ लिया ते पल्ले बन लिया भी बाबा जी का पता नहीं फिर किन्ना लम्मा समा लंबी यात्रा विच लै चलन, किते भुख लगी ते फिर कढ के खा लेवांगा। हुण अगां गए एक थावें लगी भुख जरा के एक पासे हो के, हुण पल्लियों खोल लगा खान ते कौड़ा जहर वर्गा उसका रस रसना ते थोड़ा जिहा गया। थू थू करके मूँह विचों सुट भी दिता पर पेट विच सूल उठिया, लगा पुकार करन हाय मर गया हाय मर गया। साहब कहिंदे की होया पातशाह आ कुछ होया, उही ककड़ियां जो तुसां उत्थे खवाइया सी ओ थोड़ियां नाल लै आया सा पातशाह, वो जरा कि चखी है उसने सूल पैदा कर दिता है। साहब कहिंदे तैनू आखिया सी ना पल्ले ना बनी, पातशाह होती उही ने ना बड़िया मिठिया सन। हुण सतगुरु आख्या मरदानिया उत्थे नज़र पई सी उत्थे साडा वचन सी, इत्थे नज़र भी नहीं पई, वचन की भी तू उलंघना की है। बेनती कर देवा मरदाने नू बचाया तो सही, पर एक गल समझाई इतिहास ने, अगर गुरु की नज़र पै जाए तो सच है
भी वह जहर नू भी अमृत बना देवे, अगर गुरु की नजर ना पाए तो फिर अमृत वर्गे पदार्थ भी जिंदगी दी जहर बन जाते। बाणी रोकया, बाणी रोकया, बाणी समझाया, भलिया तू इस संसार की विषय वकारां दी सवादली गल नू जहर वर्गा समझ के छड़ दे। बिखिया बिख ज्यों बिसार, प्रभ को जस हीए तार, नानक जन कह पुकार। ऐ भलिया तेन गुरु तेग बहादुर पातशाह पुकार के कहंदे ने, उच्ची आवाज दे के होका दे के कहंदे ने, इस संसार दे औगन वकार ओ बिखिया ओ विष दी तरह ने, ए मायावी जाल बिखिया बिख ज्यों बिसार, प्रभ को जस हीए तार, नानक जन कह पुकार। ऐ भलिया इस संसार दे औगन वकार भुला ते रब नू चेते विच कर, शायद तेरी जिंदगी सारा जीवन गवाई होई, एक एक सवास दी सारी शक्ति मुड़ वापस आ जाए, तेरा गवाचा जीवन मुड़ वापस आ जाए। इस करके बाणी रोकया रह द्वार, तो मन मतवारो पीवन हार, तो मन मतवारो पीवन हार। ता जे बाणी ने जिथों रोकया रुक गए, बाणी ने जो पियाया वो पी लिया, ते सच है फिर मन मतवारो हो गया। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गहया, पूरा साच प्याला सहजे, तिसै पियाए जाको नदर करे, अमृत का व्यापारी होवै क्या मद छूछै पाओ तहरे। गुर की साखी अमृत बानी, पीवत ही परवान भया, दार दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बिकुंठ करे किया। सिफती रत्ता सद बैरागी, जुआ जन्म ना हारे, कहो नानक सुन परथर जोगी, खीवा अमृत तार है। तू खीवा हो जाएगा, तू उस नाम दे रस दा अमृत रस दा मतवाला हो जाएगा। ये सच है जिस दिन बाणी दे रोकिया रुक गए। भला मन ना रोके तो की करना चाहिए? मालक दे चरणा विच इक अरदास करना। और अरदास दे बोल मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक पंक्ति पढ़ लगा, अंदरों धर के पुकारना, एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, एक चीज मुझे दे, अवर जहर चीज ना पाया, अवर जहर चीज ना पाया। ऐ मालक मैनू अवर जहर चीज नहीं चंगी लगती, मैनू एक चीज दे, ओ नाम दी चीज दे, ओ नाम दा अमृत सोमा दे। मैं तेरे दर ते पिया पुकार करदा हां, रहमत कर इस सोमवार दे चंद दे वार नू, मैं उस चंद नाल ना जोड़ा बल्कि उस चंद नाल जोड़ा जो चंद गुरु दी कृपा नाल हिरदे विच चढ़ जांदा है, जो नाम दा चंद चढ़ जांदा है, जो वाहिगुरु दी बख्शिश दा चंद चढ़ जांदा है। जरा गल ध्यान च रखियो, चंद्रमा ते सब तो पहला मनुख जांदा है, ते चंद तो मुट्ठी भर मिट्टी लैके आंदा है, उसकी खोज करनी है, विज्ञानियों ने खोज करनी है। चंद ते गया पहला मनुख, चंद तो भी रोशनी नहीं लिया सकिया, चंद तो मुट्ठी भर मिट्टी लैके आया है। ओ भलिया तू जिस गुरु दे दर ते, नाम चंद दे दर ते, गुरु शब्द दे चंद ते दर ते आया, इत्थों शब्द दी रोशनी लैके जाई, इत्थों खाली ना चला जाए। थोड़ी बात जिंदगी दे लई बड़ी जरूरी है। वार सत ने, और इसनू दो तरह दे लोगां ने वखरे वखरे पासे ले जाना कीता। एक लोग ओ ने जिन्ना ने भरम वहम पाए, ये आखिया अज ए वार इस दा ए ग्रह है, इस दा उपाव करो, इलाज करो, है अज मंगल आ गया,
वीर आ गए, ये शनिवार आ गए, इसका इलाज करो। कुछ लोग ओ ने जिन्ना ने वारा बारे भरम पाया, ते कुछ लोग ओ अति नास्तक हो गए ने, वो कहते ने साडे लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान च रखियो, दोनों ही ठीक नहीं है। जेडे कुछ आस्तकता विच भर गए ते वारां ते भरम विच पै गए, वो भी गलत दिशा भुल गए, ते जेडे ओ सी कहंदे सी कुछ भी नहीं मनदे, वो भी भुल गए। ते कुछ ने आप जैसे जो गुरु के शब्द नूं पै सुणदे ने, उन्होंने समझिया भी इस वार दे पावन सिद्धांत दा जिंदगी विच कदम की है। मैं आदित करे भगत आरंभ, ऐतवार दे शब्द ने मैनू भगती दा आरंभ कराया। ते मैं बेनती करांगा इस सत वारां दी रहाओ दी पंक्ति, वो सत्तां वारां नाल बड़ा महत्व रखती है। वो रहाओ दी पंक्ति है, बार बार हर के गुण गावो, गुर गम भेद सो हर का पावो, भावें होवे ऐतवार ते भावें होवे सोमवार, मैं बार बार इक ते हरी दे गुण गावां सिमरन करां, ते दूजा गुर गम मैं गमन गुरु तक रोज करां, तां रब दा भेद राज खुलेगा, तां उस दा मिलाप कर सकांगा। सिमरन भी करां ते रोज गुरु के शब्द तक नित नेम करदिया, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संगत करदिया, मैं गुर गम करां, गुरु तक गमन भी करां, ते सच है भी सोमवार भी होवे ते तद भी सिमरन करां, इत्थों नाम अमृत मिलेगा। सोमवार होवे तद भी गुर गम करां, गुरु तक गमन करां, तां मैं बाणी रोकिया रहे द्वार, तो मन मतवारो पीवन हार। ओ हुण बाणी ने रोक दिता, बाणी समझाया भी मना तू किधर पिया जांदा, अखां वेखण गियां पर गुनाह नहीं करन गियां। चला जांदा एक सूफी फकीर एक राज महल दे कोल दी लंघिया, राजे दी बड़ी खूबसूरत लड़की केस पई सुकांदी सी, दरवाजे दे कोल खलोती है, फकीर दी नज़र गई उस लड़की नूं वेखिया, वेखदिया सार बड़ी टिकटिकी लगा के वेखदिया वेखदिया उत्थे अखां बंद करके खलो गया, ते लड़की भी देखिया ये मेरे वल वेख के लगदा मेरे ते लट्टू हो गया, है फकीर है साधु मन मेरे वल वेख के लगदा खिचिया गया। ओ अखां फिर खोलदा, फिर लड़की दी शक्ल वल वेख के बड़े गौर नाल पिया तकदा, ते लड़की कहन लगी मैं राजे दी लड़की, अपने बाप नूं जे दस दिता ना ते तेरा सिर हुणे कलम कर देगा, जो औरों की सूरत पे होते हैं शायदा, जो औरों की सूरत पे होते हैं शायदा, वो सिर अपना पहले कलम देखते हैं। ते फकीर कहन लगा ना तुझ से गरज ना सूरत से तेरी, हम तो मुसव्वर की कलम देखते हैं, मैं तेरे वाल नहीं देख रहा, मैं उस वाल देख रहा जिसने तेरी इस खूबसूरती नू बनाया सवारिया ते शिंगारिया, जह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, वाह कि हुसन चिराग है, वाह मेरे पातशाह ऐ मेरे रब्बा तू इतना खूबसूरत है, किसे नू घड़िया खूबसूरत ते उस विच आप बैठे ते तां यो खूबसूरत। कहन लगा मैनू तेरे नाल मतलब कोई नहीं, कलम दे दो अर्थ हो गए, एक कलम दा अर्थ हो गया किसे दा सिर कटना, जो औरों की सूरत पे होते हैं शायदा, वो सिर अपना पहले कलम देखते हैं, एक कलम चलन वाली लिखन वाली नक्शा करन वाली। फकीर कहन लगा ना तुझ से गरज ना सूरत से तेरी, हम तो मुसव्वर की कलम देखते हैं, मैं ते उसनू वेख रहा जिसने तेनू खूबसूरत बनाया, अखां ते इत्थे भी गईयां ने वेखण पर किसी रूप नू नहीं, उस रूप नू घड़न वाले वाल चलिया गई। बस संसार दी खूबसूरती वेख के खूबसूरत बनान वाले वाल सुरत जुड़ जाए, ते समझ लेना ए नेत्रो मेरियो हर तो मैं जोत तहरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, ए शर्वनो मेरियो साचा सुनना नो पठाए, ए रसना तू अनरस राच रही, बस बानी रोकिया रह द्वार तो मन मतवारो पीवन हार। ये गुरु बख्शिश करन मन नाम दा अमृत पीवे, अपना जीवन सदा ले अमर कर लेवे, औगन वकारा तो जिंदगी दा खेड़ा छुट जाए,
यह है सोमवार के पावन संबंधित अज के वार नाल संबंधित उपदेश साहब की रहमत होवे उपदेश हिरदे विच वसे जीवन सवरे लोक परलोक सुहेला होवे जी। इन्हां अखरां नाल सतगुरां दा कोटान कोट धनवाद अपनियां भुल्लां दी खिमा मंगदे आ। तीन दिन होर गुर शब्द की सांझ सतगुरु आप करवा लैवन जी। आओ भुल्लां दी खिमा करदे आ, सारे गज के फतेह जाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।